हाय एवरीवन, माय नेम इज आरजू तमन्ना और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस न्यूज सक्सेस। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि क्या आखिर टॉपिक है। आपको मेरे प्रीवियस में दिख रहा है कि ये बबल जंप कर रहा है, तो बबल दैट मीन्स कि मैं आज बबल शॉट पढ़ाने वाली हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम सब जानते हैं कि बबल शॉट हमारे कॉलेज में भी कितना इम्पोर्टेंट था। बबल शॉट ही नहीं, सारे शॉटिंग जो जो भी है वो काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी, और स्कूल जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि केवीएस के, एनबीएस, DSSB और आर्मी पब्लिक स्कूल, ये सारे जो भी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए नेट, जेआरएफ और गेट के लिए है। ये हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है शॉर्टिंग की, तो हम काफी इजिली इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं वो सारे बताऊंगी। और जैसे कि जब शॉर्टिंग करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करना होता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन, नंबर ऑफ स्वैपिंग कितने रिक्वायर्ड है, ये सारे हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो ये आप देखिए बबल शॉट का जो हमारा रहा, बबल शॉट में क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा बबल है, हमारा गिवेन है जैसे 9 8 7 5 3 1, ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवेन है, ठीक है। हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करना है यूजिंग बबल शॉट। तो 1 3 5 7 8 और 9, दैट मींस कि जो सबसे बड़ी एलिमेंट है 9, उसे हम सबसे बैक में रखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद, वैसे इस तरह से हम इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, और इटरेशन होता क्या है, जो हम लूपिंग करते हैं तो लूप करने के लिए उसमें क्या है कि फर्स्ट इटरेशन में जो सबसे बड़ी बबल है, दैट मीन्स कि यहाँ 9 है, 9 को क्या करेंगे पुश करके सबसे नीचे लाएंगे। तो ये होता है फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में 9 से जो छोटी है यानी उसमें जो बड़ी, उसको पुश करेंगे, यानी जो बड़ी बबल है, भारी बबल है, ऐसे भी आप जानते हैं बबल जो भारी होते हैं वो पहले नीचे ही जाते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ है 9, ओके, सबसे बड़ी 9 है। तो 9 क्या करेंगे, चेक करेंगे 9 इज ग्रेटर देन 8, यस 8, देन स्वैप। अगर 9 ग्रेटर देन 8 है देन स्वैप कर दो, यहाँ पर हो जाएगा आपका स्वैपिंग। तो क्या हो जाएगा स्वैपिंग के बाद, हो जाएगा यहाँ 8 एंड यहाँ 9 और 7 5 3 1, ये ऐसे ही रहेंगे। अगेन नेक्स्ट चेक करेगा यहाँ, क्योंकि पॉइंटर यहाँ था हमारा, तो दैट मीन्स यहाँ पर फिर अगेन चेक करेगा 9 और 7 का, क्या 9 ग्रेटर देन 7 है, यस, दैट मीन्स कि वो क्या करो आप स्वैप कर दो, ओके स्वैपिंग हो जाएगी। तो अगेन 8 यहाँ तो होगा और 9 के यहाँ पर स्पेस पर यहाँ पर आएगा 7, और 7 के जगह पर 9 और 5 3 और 1, ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। फिर अगेन क्या होगा, यहाँ पर हमारा पॉइंटर था, दैट मीन्स कि यहाँ पर, तो अगेन चेक करेगा 9 इज ग्रेटर देन 5, यस, देन अगेन स्वैप। तो स्वैप अगेन मैं करूँगी यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ 5 और यहाँ 9 और 3 और 1, ऐसे ही। फिर 9 यहाँ से चेक करेगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर है, 9 ग्रेटर देन 3, यस, तो अगेन क्या करो स्वैप कर दो। तो 8 7 5 3 9 एंड 1, अब अगेन चेक करेगा ये कि क्या 9 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, तो अगेन स्वैप करो। तो डेट मीन्स 8 7 5 3 1 और 9। आप यहाँ देखिए कि जो सबसे बड़ी एलिमेंट है 9, 9 इनमें सबसे बिगर है, तो वो क्या हो गया, वो आपका सबसे नीचे में आके रुक गया। ये रहा आपका 9 जो कि सबसे नीचे में आकर के रुक गया है, सॉरी यहाँ 9 जो है ये सबसे नीचे में, सबसे बड़ी बबल क्या हो गई, नीचे आ गई फर्स्ट इटरेशन में। तो देखते हैं कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ, तो काउंट करते हैं नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ। देखिए ये कंपैरिजन यहाँ 1 यहाँ कंपेयर कंपेयर किया 1 टाइम, फिर 9 यहाँ भी इससे कंपेयर किया 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, एंड यहाँ क्या कंपेयर किया, क्या नहीं, यहाँ पर स्वैप कर दिया था। तो कितना 5 टाइम नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना हो गया, 5 5 टाइम्स क्या हुआ ये कंपेरिजन किया। अब नाउ चेक करते हैं कि कितना हमारा स्वैपिंग हुआ। स्वैपिंग के लिए देखिए जहाँ मैंने ये बनाया है स्माइली, वो हुआ आपका स्वैपिंग। तो पहले क्या किया, यहाँ 9 और 8 के पास स्वैप किया, ये यहाँ वैल्यू 9 और 8
स्वैपिंग हो गई यहाँ, ठीक है, फिर अगेन यहाँ क्या दूसरी स्वैपिंग हो गई, तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी नंबर ऑफ स्वैपिंग भी कितना हुआ, 5। ओके, दैट मीन्स देखिए हमारे नंबर है 6, टोटल नंबर है 6, टोटल नंबर कितना है 6, मान लिया 6 को एन मान लिया मैंने, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो गया, इसे क्या कह सकते हैं एन माइनस वन, और स्वैपिंग भी क्या हो गई एन माइनस वन, किसमें हमारे फर्स्ट इटरेशन में। अब आते हैं हम सेकेंड इटरेशन की बात करते हैं, सेकेंड इटरेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी स्वैपिंग होने के बाद जो, क्योंकि बिगर 9 थी, 9 नीचे आ गई थी, अगेन हम शुरू से स्टार्ट करेंगे इनिशियल से, तो 8 और 7 चेक करेगा, 8 और 7, 8 इज ग्रेटर देन 7, यस देन स्वैप, तो 7 यहाँ होगा और 8 यहाँ, ओके, और सारे ऐसे ही इस लूप में आ जाएंगे, बस एक यहाँ स्वैपिंग हो गई ना, और कंपेयर भी किया एक से, अगेन आइए यहाँ 8 ग्रेटर देन 5, यस, तो 7, 5 ये और 8 स्वैप कर दो, यहाँ 8 हो गया, और 3, 1 एंड 9, 9 से देखिए, क्योंकि जब नीचे में क्या होता है ना, नीचे की तरफ से ये शॉर्टेड होता जाता है, तो हमें लास्ट में कोई कंपैरिजन नहीं करना होता है, बस इनमें ही हमारा कंपैरिजन होगा जो बच गए हैं, दैट मीन्स कि 5 एलिमेंट्स है, पहले 6 था, अब ये 5 हो गया है, यानी एन हो गया सेकेंड इटरेशन में, एन माइनस वन जो एलिमेंट है उनसे कंपेरिजन और स्वैपिंग उनकी होगी, और उसमें जो सेकेंड इटरेशन में सेकेंड एलिमेंट जो बड़ी होगी वो सेकेंड पोजिशन पर अपने पहुंच जाएगी, करेक्ट पोजिशन पर। नाउ कम टू द हियर, अब यहाँ 8 चेक करेंगे, 8 क्या ग्रेटर देन 3 है, यस, तो अगेन 7, 5, 3, 8 यहाँ स्वैप कर दिया 1, और 9 जो है वैसे ही रहने देंगे, अगेन कम टू द हियर चेक करेगा 8 1 से क्या ग्रेटर देन है, हाँ ग्रेटर देन है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 शिफ्ट करेंगे, और यहाँ 8 और यहाँ 9, ओके। अब तो देखिए यहाँ क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है, यहाँ सब कोई कंपेरिजन नहीं, एंड अब चेक करते हैं कि हमारा कितना कंपेरिजन हुआ और कितने नंबर ऑफ स्वैपिंग हुआ, तो आप काउंट कीजिए 1 यहाँ कंपेयर किए, 2, 3, 4 नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने हुए, 4, अब नंबर ऑफ स्वैपिंग कितने हुए, स्वैपिंग भी इतने ही हुए हैं क्योंकि एक बार यहाँ स्वैप किया है, 2, 3, 4 स्वैपिंग कितने हुआ, 4, दैट मीन्स कि देखिए सेकेंड इटरेशन में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, टोटल तो 6 थे, तो यानी 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 6 था हमारा n, तो 4 स्वैपिंग, और यहाँ भी स्वैपिंग कितनी हुई n माइनस 2, और चलिए थर्ड इटरेशन की तरफ मूव करते हैं, थर्ड इटरेशन में क्योंकि हमारे सेकेंड इटरेशन तक दो एलिमेंट्स हमारे अपने पोजीशन पर पहुंच गए थे, अब अगेन वही हमारा कंपैरिजन होगा, 7 ग्रेटर देन 5, यस देन स्वैप, तो देन 5 यहाँ हुआ, 7, 3, 1, 8 एंड 9, नाउ कम टू द हियर, अगेन चेक करेंगे 7 ग्रेटर देन 3, यस, देन अगेन स्वैप, 5, 3, 7, 1, 8 एंड 9, अगेन चेक करेगा क्या 7 ग्रेटर देन 1 है, यस, तो अगेन वही सारा हम प्रोसेस यूज करेंगे 8 और 9, देखिए क्योंकि अब यहाँ हमारा कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7 और 8 से कोई कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर में आ चुका था, अरेंज ये हो चुके थे, ठीक है, तो देखिए अब ये भी आपके यहाँ ऑर्डर में आ गया, अरेंज हो गया 9, 8, 7, तो अगेन यहाँ भी देखते हैं नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए, नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ 7 को 5 से किया था, 1 टाइम 7 को 3 से, 2 टाइम 7 को 1 से, 3 टाइम, यानी नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ 3, और नंबर ऑफ स्वैपिंग अगेन 3 ही हुआ 3, दैट मीन्स की एन माइनस 3 कंपेरिजन एंड एन माइनस 3 स्वैपिंग, ओके, क्योंकि ये मैंने वर्स्ट केस लिया है, ऐसा लिए सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए थे, तो ये मैं वर्स्ट सिनारियो लेकर के चल रही हूँ। कम टू द फोर्थ इटरेशन, देखिए हमारे यहाँ तक तो ये सारे हमारे अरेंज हो गए, ये ऑर्डर में हो गए हैं, है ना, शॉर्टेड हो गए हैं ये, अब हमें इन पर ही शॉर्टिंग अप्लाई करनी है, ओके, तो चलिए अब चेक करते हैं अगेन क्या 5 ग्रेटर देन 3 है, यस, तो क्या कर दो स्वैपिंग कर दो कंपैरिजन करने के बाद, यानी 3 यहाँ आएगा और 5 3 की जगह पर, अगेन
ये 1 यहाँ लिख देंगे, और जो नीचे हमारा 7, 8, 9, इनसे कोई कंपैरिजन नहीं करना, बस इसे ऐसे ही लिख देना है। अगेन कम टू द हियर, 5 ग्रेटर देन 1, यस है, तो फिर अगेन इसे क्या कर दो, स्वैप कर दो। ये देखिए हमारे फोर्थ इटरेशन में ये हमारा कितना स्वैप, ये कितने हो गए एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4 अपने पोजीशंस पर आ गए हैं फोर्थ इटरेशन में। तो देखिए हम नंबर ऑफ स्वैपिंग और नंबर ऑफ कंपैरिजन फाइंड आउट करते हैं कितना हुआ। नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारा हुआ 1, क्योंकि 5 को 3 से कंपेयर किया है और 3 को 5 से किया है, 5 को 1 से, तो 1 2 टाइम्स, तो दैट मीन्स कितना हुआ नंबर ऑफ कंपेरिजन, 2 टाइम्स, और स्वैपिंग भी 2 ही बार हुआ है। ओके, दैट मीन्स n-4 एंड n-4 स्वैपिंग एंड कंपेरिजन। अगेन क्योंकि हमारे और रह गया है एलिमेंट, तो उसे हम करके देखते हैं। फिफ्थ फिफ्थ इटरेशन में क्या हुआ, देखिए हमारे फिफ्थ में यहाँ यहाँ से यहाँ तक सारे शॉर्टेड हो गए हैं, अब बस हमें 2 एलिमेंट को शॉर्ट करना है। तो चलिए अगेन कंपेयर करते हैं, 3 1 ग्रेटर है, यस, 1 को ऊपर लाओ और 3 को उसके पोजीशन यानी स्वैप कर दो, और इन्हें एट इट इज रहने देंगे। अगेन क्या करना है, फिर ये तो देख लिया कितने इसमें अब 2 है, क्या चेक करेगा यहाँ तो नहीं होगा, है ना, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हुआ, नंबर ऑफ कंपैरिजन हुआ यहाँ पर 1, एक ही कंपेयर किया ना यहाँ पर 1 कंपेयर, और स्वैपिंग कितनी हुई, स्वैपिंग भी 1, दैट मीन्स कि n-5 टाइम्स स्वैपिंग एंड n-5 टाइम कंपेरिजन, यही हुआ। तो यहाँ आपने देखा सिर्फ एक और इटरेशन चलेगा, क्योंकि वो लास्ट में चेक करेगा कि क्या 1 ग्रेटर देन 3 है, 1 ग्रेटर देन 3 नो, तो यहाँ से वो ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पर नो स्वैपिंग और नो कंपैरिजन, दैट मीन्स कि नो 0 स्वैपिंग और 0 कंपैरिजन, 0 स्वैपिंग एंड 0 कंपैरिजन, ठीक है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा यहाँ पर n-n 0 हो गया, n-n 0 कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारा कितना हुआ, टोटल कंपैरिजन कितना हुआ और टोटल स्वैपिंग कितनी हुई हमारे इस बबल शॉट में। तो देखिए बबल शॉट में क्या हुआ था, हमारा स्वैपिंग कितना हुआ था, स्वैपिंग आपने हर बार देखा था n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 एंड n-n जितना था, ठीक है, उतने, और इस तरह से चलता गया। फिर टोटल कंपैरिजन भी यही था, n-1 पहले इटरेशन में, अगेन n-2 सेकेंड इटरेशन, n-3 एंड सो ऑन, इस तरह से था, यानी 1 तक था, ठीक है, 1 तक था यहाँ पर, और यहाँ भी लास्ट में 1 आया था। और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखिए इन इन सबको अगर आप ऐड करेंगे ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, अगर आप सबको ऐड करते हैं, अगर आपने सीरीज पढ़ी होगी एपी सीरीज, तो एन एन प्लस n-1 इंटू प्लस n-2 n-3 एंड सो 1 इतना तक, ठीक है, प्लस इन्हें भी ऐड करना होगा। तो अगर आपने पढ़ी होगी एपी सीरीज तो उसका हो जाता है n² ठीक है, ऑर्डर ऑफ n² इसका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट होगा। गाइज मैंने इसमें जो भी जितने थे इतने ही रिलेटेड इससे पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ स्वैपिंग कितने हैं, कंपैरिजन और टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट काफी मायने रखता है, ये हमारे एग्जाम सॉरी एग्जाम्स में जो भी होता है ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि बबल शॉर्ट की हमारे कितनी कॉस्ट है, तो हमें ये फाइंड आउट करके बता देना होता है। यानी ये वर्स्ट केस है तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा, अगर बेस्ट केस की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, ऑर्डर ऑफ एन, बेस्ट केस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि अगर वो सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमारा वहां पर कंपैरिजन नहीं होगा और नहीं स्वैपिंग होगा, तो दैट मीन्स कि सारे को कंपेयर तो करेंगे लेकिन हमारा कोई कंपैरिजन हो सक्सेसफुली स्वैपिंग नहीं होगी, यानी एन टाइम्स हमारा कंपेयर ही रहेगा ओनली, तो दैट मीन्स कॉस्ट क्या होगा वो हमारा एन होगा। तो यही वीडियो मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एल्गोरिदम और इससे इसका कोडिंग किस तरह से करना है आपको, तो आपको किस लैंग्वेज में कोडिंग चाहिए आप प्लीज कमेंट में लिखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड को शेयर कर दे ताकि उन्हें हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।